तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सुपरस्टार विद्युत जामवाल की IV7-1 मूवी के बारे में। तो इसका अभी अभी एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि विद्युत जामवाल एक प्लेन में उड़कर जा रहे हैं और वो एक प्लेन को बहुत ही सेफ्टी से लैंड कराते हैं जिसके लैंड होने के चांस बहुत कम होते हैं। और इसकी स्टोरी कुछ बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। इस स्टोरी में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने हम पे 2 बार अटैक किया था लेकिन पाकिस्तान एक बार और प्लान बनाता है इंडिया पर अटैक करने का, जो कि एक रियल स्टोरी है। विद्युत जामवाल इसे रोकने जाते हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो इसे रोकने के लिए सीधा पाकिस्तान चले जाते हैं और इस मिशन में उन्हें लगते हैं पूरे 10 दिन। और इस 10 दिन में उनके पास होते हैं उनके 30 मेंबर, और क्या वो वहां से बचकर आ पाएंगे ये आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर। ओवरऑल ये मूवी बहुत ही खतरनाक मूवी होने वाली है क्योंकि दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी रिमेक मूवी नहीं है। और तो और विद्युत जामवाल बहुत ही खतरनाक मूवी लेकर आते हैं जिसकी वजह से मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओवरऑल ये मूवी रिलीज हो रही है 12 मई को बड़े पर्दे पर, मतलब कि विद्युत जामवाल ने अभी तक कोई सी भी मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं करी है। उन्होंने जो भी मूवी रिलीज करी है छोटे छोटे पर्दे पर ही रिलीज करी है, लेकिन ये मूवी बहुत ही खतरनाक मूवी होने वाली है। वैसे आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शाहरुख खान की मूवी जवान की, जिसका अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। लेकिन शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान की कंपनी डायबॉल कंपनी का एक एड रिलीज किया है जिसमें आपको शुरुआत में देखने को मिल जाएंगे आर्यन खान और इसका एंड करते हैं शाहरुख खान। अब इस कंपनी के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। तो देखो इस कंपनी में हमें लग्जरियस कपड़े मिलेंगे जो कि बड़े बड़े एक्टर्स के लिए होंगे और इस कंपनी में बहुत सारा सामान मिलेगा। इसका प्रमोशन शाहरुख खान और आर्यन खान बहुत टाइम से कर रहे हैं। देखो इस एड को देखने के बाद एक बात तो पक्की हो गई कि आर्यन खान चाहे एक्टिंग में कैसे भी हो लेकिन इस कंपनी को वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज ये है कि जवान मूवी 2 जून को रिलीज हो रही है लेकिन उससे पहले 2 मई को रिलीज होने वाला है जवान मूवी का ट्रेलर। तो आप इस मूवी के ट्रेलर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ गाइस 16 जून को रिलीज हो रही आदि पुरुष मूवी को देखने जरूर जाना। और आपने सलमान खान की किसी गवाई किसी की जान मूवी देखी है नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।